उत्पाद विभाग द्वारा भारी मात्रा में शराब बनाने वाले लिक्विड के साथ दो शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर उत्पाद विभाग द्वारा जीरो माइल थाना क्षेत्र के सनहोला मोड़ से भारी मात्रा में शराब बनाने वाले लिक्विड के साथ दो शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग टीम द्वारा सीमा पर नाकेबंदी की गई है। इसके बावजूद भारी मात्रा में एक ट्रक शराब बनाने वाली लिक्विड मालदा से भागलपुर आया। वहीं उत्पाद विभाग की टीम द्वारा सघन जांच के दौरान उक्त ट्रक से 220 लीटर वाले 33 ड्रम लिक्विड के साथ दो शराब कारोबारी को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं उत्पाद विभाग टीम की अधिकारियों ने कहा कि बरामद 33 ड्रम में करीब 7260 लीटर शराब बनाने वाला लिक्विड का अनुमान लगाया जा रहा है। ये लिक्विड देसी शराब बनाने में उपयोग होता है, जो सभी लिक्विड भागलपुर क्षेत्र में ही खपाने का योजना था। वहीं गिरफ्तार कारोबारी ड्राइवर रोहित कुमार, पिता राकेश कुमार, साकिन हमीदा, थाना सदर जिला यमुना नगर एवं सहायक ड्राइवर अमित कुमार, पिता सोमनाथ इद्रीगढ़ा, थाना इद्रीगढ़ा, जिला करनाल का निवासी बताया जा रहा है। वहीं उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शराब बनाने वाली इस तरह की बड़ी खेप की लिक्विड भागलपुर में पहली बार पकड़ा गया है। उधर डेली हमारी टीम जो बढ़ करके नाका लगाती है, इसी दौरान आज भी जो है हमारी टीम जो है जहानवी चौक से लेकर करके सनौला मोड़ तक जो है पुलिस सब जगह नाका लगाई हुई थी। इसी दौरान वाहनों के चेकिंग के दरमियान एक हरियाणा नंबर की जो है एक मिनी ट्रक जो है वो सनौला मोड़ पर रोक कर चेक किया गया, तो वो बोरों के बीच में जो छिपा कर करके 33 ड्रम जो है जिसमें प्रत्येक ड्रम में लगभग 220 लीटर स्प्रिट है, ये लेके ये लोग जा रहे थे। जो इनका कहना था ये लोग इसको भागलपुर इनको आने के लिए कहा गया था। ये कंसाइनमेंट जो है मालदा से भागलपुर के लिए आई थी। अब यहाँ पर इसको कौन आदमी मिल लेता और कहाँ ले जाता इसकी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। अभी तक ड्राइवर और उसका सहायक ने बताया है यह जो कंसाइनमेंट है इसके वाहन मालिक कोई मोहित शर्मा है, जो मालदा में इनको लोड गाड़ी इनको दिए थे और इनको कहा था कि आप भागलपुर हाईवे पे वेट करना, मैं फ़ोन करूँगा तो फिर अगले आदमी को हैंड ओवर करना। दूसरी बात है कि ये सुसब जो है स्प्रिट जो है पहली बार इतनी बड़ी के भागलपुर में पकड़ी गई है और इसका उम्मीद है कि हम लोग के चुनाव में शराब बनाने के दौरान इसका प्रयोग किया जाए। बनी हुई विदेशी शराब, देसी शराब तो हम लोग काफ़ी पकड़ते रहते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल के तौर पर ये मतलब इधर हाल फिलहाल के दिनों में पहली बार है, जो हम लोग को अंदेशा है कि इसको जरूर कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनज़र ही इस आसपास के क्षेत्र में इसको खपाया जाता और इससे देसी शराब तैयार करके यूज किया जाता है। उसका नाम है ड्राइवर रोहित कुमार था, पिता राकेश कुमार, ये ग्राम हमीदा थाना सदर जिला यमुनानगर का निवासी है और इसके ट्रक का जो सहायक था वो अमित कुमार, पिता सोमराम, इसका गांव जो है इंद्रीगुड़ा, थाना इंद्रीगुड़ा, जिला करनाल का निवासी है। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCom BSc पॉलिटेक्निक BTech BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8 या रजिस्टर करें MSWT बिहार.com पर।